तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेचिंग वायर, या हम इस टॉपिक को बोल सकते हैं वर्क डन ऑफ स्ट्रेचिंग वायर। ये इलास्टिसिटी का टॉपिक है, क्लास 11th फिजिक्स सीबीएसई आईएससी दोनों के लिए है ये। तो इलास्टिसिटी में हमारा आता है कि जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। तो वायर को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा उसको खींचने के लिए, और वही वर्क डन जो हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वायर में स्टोर हो जाएगा। तो इनिशियली देखा जाए, जो हमारा वायर है वो एल लेंथ का वायर है, और इस वायर को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा जो इस वायर को डिफॉर्म करेगा, यानी इसकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो शुरुआत में जब फोर्स नहीं लगा है तो हमारे पास इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो जीरो है, इनिशियल रीस्टोरिंग फोर्स जीरो है, क्योंकि उसके अंदर कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं डेवलप हो रहा है, यानी कि इसके अंदर जो वायर है, वायर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डेवलप नहीं होगा, यानी रीस्टोरिंग फोर्स हम कह सकते हैं जीरो है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एक ही चीज़ है। फाइनली फाइनल रीस्टोरिंग फोर्स, यानी जब हमने एफ फोर्स डेवलप कर दी, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स एफ लगाया, तो इस लेंथ में, यानी ये जो हमारा वायर है इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ एफ, जितना हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उतना ही, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर जो होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल होंगे और ये हमें एफ फोर्स मिलेगा। तो हम देखें एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा। हमारा शुरुआती फोर्स जीरो था, फाइनल फोर्स एफ था, तो इसका एवरेज देखा जाए तो जीरो प्लस एफ बाई टू या एफ बाई टू, यानी ये एफ बाई टू हमारी एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स होगी। तो अब इस वायर को स्ट्रेच करने के लिए हमने एक वर्क डन किया है, तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स इनटू का डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, लेकिन यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय द कितना लेंथ में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन लेंथ। तो एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स हमने एफ बाई टू कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे हमने एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स रख दिया और डेल्टा एल यानी इंक्रीज इन लेंथ, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट हो गया 1/2 एफ इंटू डेल्टा डेल्टा एल। दिस इज द वर्क डन ऑफ स्ट्रेचिंग वायर। और मैंने आपको क्या बताया, ये जो वर्क डन है, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, वर्क डन ही किस में या वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये वर्क डन ही हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो रही है। नाउ द वर्क डन इन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, देन दिस वर्क डन इज आल्सो कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। ये दोनों एक ही चीज़ हो गई। अगर हम सपोज करें कि हमारा वायर कैसा है, सिलेंड्रिकल, भाई वायर हमारा कुछ ऐसा होगा, ये वायर होगा, और इसका बेस क्या है, सिलेंड्रिकल, यानी इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा। तो सपोज करें वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल ए है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, ए इंटू एल, ए और एल क्या होगा, वॉल्यूम होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और इसकी लेंथ सिलेंड्रिकल है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाई आर स्क्वायर एच, तो ए इंटू एच कर दें या ए इंटू लेंथ कर दें तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसी में ए एल से ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वॉल्यूम से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ पे ये डेल्टा एल था, ए एल और ए एल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है 1/2 इंटू का एफ इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा इंटू ए एल, ये चीज़ मिल रही है। तो यहाँ से देखा जाए तो हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है 1/2 एफ इंटू ए, 1/2 एफ इंटू ए, इट मीन्स एफ इंटू ए, सॉरी एफ बाई ए, एफ बाई ए हमारा क्या है, स्ट्रेस है, एफ बाई ए स्ट्रेस है, एंड डेल्टा एल बाई एल क्या है, हमारा स्ट्रेन है, यानी स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन आपका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी डेल्टा एल ये चेंज हुआ है और शुरुआत में हमारा एल था, तो डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन हो गया और ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया। तो ये हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू का वॉल्यूम। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, पर यूनिट वॉल्यूम है तो यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ, स्ट्रेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन का स्ट्रेन
भाई स्ट्रेस के अपॉन में स्ट्रेन ले लो, और ये स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आप जानते हैं क्या होता है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वायर कैसा लिया है, वायर के लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में इंक्रीज किया है, यानी एफ अपॉन ए अपॉन का डेल्टा एल अपॉन एल, एंड दिस इज क्या होता है यंग्स मॉडुलस। एफ अपॉन ए हमारा क्या है स्ट्रेस, एंड डेल्टा एल अपॉन एल क्या है स्ट्रेन है। यहाँ से हमारा जो निकल के आया 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के कई सारे फॉर्म हो गए, ये पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 इंटू का यंग्स मॉडुलस इंटू का स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्म, ये तीन चार फॉर्मूले आपके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के हैं। तो ये हमारा टॉपिक था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेचिंग वायर, या फिर हम कह सकते हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो मिलते रहें।